उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल का जवाब अब भी तमाम लोग तलाश रहे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी आलाकमान भी अभी साफ साफ कहने की स्थिति में नहीं है, यानी सस्पेंस बरकरार है। कई नाम सुर्खियों में हैं जिन पर चर्चा हो रही है, तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सुरेश खन्ना का भी नाम मुख्यमंत्री की रेस में बताया जा रहा है। शाहजहाँपुर से 8वीं बार चुनाव जीते सुरेश खन्ना इस वक्त मेरे साथ हैं। सुरेश जी, पहले तो आपको जीत की बधाई। धन्यवाद। क्या माना जाए कि कब तक पर्दा उठेगा और तस्वीर साफ होगी? ये सवाल तो आपको उन लोगों से करना चाहिए जो निर्णय करने की भूमिका में है। केंद्रीय संसदीय बोर्ड का विशेषाधिकार है कि वो इस विषय पर फैसला करे और वो उचित समय पर सही फैसला करेंगे। हम ऐसा विश्वास करते हैं कि जल्दी फैसला होगा। 16 मार्च को लखनऊ में विधायक दल की बैठक होनी थी, पर्यवेक्षक भी तय हो गए थे, लेकिन बैठक को टाल दिया गया। आखिर क्या मजबूरी है कि बार बार तमाम स्तर पर चर्चा हुई है लेकिन कोई फैसला नहीं हो पा रहा है? 16 तारीख की बैठक तय नहीं हुई थी, न स्थान तय था न समय तय था। ये चर्चा में एक बात आई थी कि 16 तारीख को बैठक कर ली जाए, लेकिन अधिकृत रूप से न तो इसकी कोई सूचना दी गई और न ये बैठक निश्चित की गई। इसलिए 16 तारीख की बैठक को टलने का सवाल नहीं है। जब बैठक निश्चित ही नहीं की गई तो टलने का क्या सवाल? ये सही है कि पर्यवेक्षक ज़रूर नियुक्त किए गए थे, लेकिन बैठक का स्थान तारीख और समय अभी तय नहीं था। बैठक का स्थान तारीख समय जल्दी नियत होगा और सब लोगों को मालूम हो जाएगा कि कब बैठक होनी है। खन्ना जी, गोवा में बीजेपी की सरकार बन गई, मणिपुर में बन गई, दोनों जगह बहुमत नहीं मिला था बीजेपी को, यूपी में प्रचंड बहुमत मिला है, 3/4 से ज़्यादा सीटें मिली हैं और 325 सीटें बीजेपी गठबंधन को मिली हैं। इसके बावजूद मुख्यमंत्री नहीं जनता को मिल पा रहा है, सूबे को मिल पा रहा है। आपको लगता है कि अब वक्त है, जल्दी फैसला होना चाहिए? देखिए, यूपी बहुत बड़ा राज्य है, यहाँ की समस्याएँ भी बहुत बड़ी हैं और ख़ास तौर से जो हमारे श्रीमान अखिलेश यादव जी और मायावती जी, इन्होंने समस्याएं और विकराल कर दी, बीमारू राज्य बना दिया। तो बीमारू राज्य को ठीक करने के लिए जो कोई रूटीन के फैसले से काम नहीं चलेगा, इसलिए इसके ऊपर मंथन चल रहा है और जल्दी ही आप लोगों को सुनने को मिलेगा कि कौन नेता चुना गया, कौन नेता ऊपर से तय हुआ। इसलिए इसके ऊपर थोड़ी प्रतीक्षा करिए आप। कल आपकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है, किस तरह की मुलाकात रही और क्या कोई संकेत मिला? मेरी कोई मुलाकात कल नहीं, जिसने भी आपको बताया वो सही नहीं बताया। कोई मुलाकात का कार्यक्रम नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं। खन्ना जी, कई नाम हैं चर्चा में और 8वीं बार आप विधायक चुने गए हैं, एक सीट से लगातार 8वीं बार जीत दर्ज करना, ये वाकई बड़ी अहम बात है। अपनी दावेदारी को आप कैसे देखते हैं? अगर पार्टी जिम्मेदारी देती है तो क्या तैयार है निभाने के लिए? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं और एक सैनिक की भांति जो भी निर्देश पार्टी का मिलता है उसका पालन करता हूं। 1991 में जब पहली बार माननीय कल्याण सिंह की सरकार बनी और तब से जब जब बीजेपी की सरकार बनी मैं सरकार में रहा, मंत्री रहा, 2003 तक मंत्री रहा। मैं उत्तर प्रदेश का प्लानिंग मिनिस्टर रहा हूँ माननीय राजनाथ सिंह जी की सरकार में, माननीय राम प्रकाश गुप्ता जी की सरकार में। जब जब पार्टी ने जो आदेश दिया उसका पालन किया, आगे भी जो पार्टी निर्देश देगी, जो आदेश देगी उसका पालन करेंगे। और ये आप लोगों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि मेरे स्तर पर विचार रखना, दावा करना या अपनी इस संबंध में कोई राय देना ना उचित है ना आवश्यकता है। नहीं, ठीक बात कही आपने। जाहिर है कि संसदीय बोर्ड फैसला करेगा, लेकिन सुरेश खन्ना खुद में क्या खूबी देखते हैं? आपकी अपनी भी तो खूबियां होंगी जिनसे आपको लगता होगा कि जब बतौर मंत्री आपने जिम्मेदारी ठीक से निभाई, अगर बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो हो सकता है और बेहतर तरीके से आप निभाएं, क्योंकि सूबे को तो एक अच्छा मुख्यमंत्री चाहिए, जनता तो ही चाहती है। देखिए, मैंने पहले भी कहा ये फैसला पूरी तरीके से केंद्रीय संसदीय बोर्ड को करना है,
उनके निर्णय की प्रतीक्षा करिए, बहुत जल्दी निर्णय आएगा। कुछ पत्ते खोल नहीं रहे हैं आप? खैर, कई बार नहीं, कुछ पत्ते क्या खोलने, देखिए पत्ते खोलने के लिए कुछ भी है नहीं, कोई चीज छुपी हुई है नहीं। बड़ा प्रदेश है, समस्याएं जटिल हैं, हमारा तो एक ही बात कहना है कि हम पूरी तरीके से जनता की कसौटी पर खड़े उतरेंगे, जो वादे किए हैं चुनाव में उसको अक्षरशः पूरा करेंगे। कानून व्यवस्था की स्थिति उत्तर प्रदेश में बहुत ख़राब है, हमने फसली ऋण माफ़ करने का, फसली कर्जा माफ़ करने का वादा किया है लघु और सीमांत किसानों का। तो ये सब मुद्दे ऐसे हैं कि जिस पर प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाएगा, और कुछ इंतज़ार करिए आप लोग, बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा। आपने यूपी का जिक्र जिस संदर्भ में किया, प्रचंड बहुमत मिला है सर, और जब इस तरह का प्रचंड बहुमत मिलता है जनता की उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। ये एक बड़ी चुनौती के तौर पे आप देख रहे हैं, यूपी बड़ा राज्य है और जिस तरह आपने कहा कि एसपी और बीएसपी ने जो हालात पैदा किए अब तक, एक बड़ी चुनौती है और एक कठिन दायित्व तो होगा जिसको भी कुर्सी मिलेगी, लोगों का दिल जीतना एक बड़ी चुनौती है। जी, तो जो जिम्मेदारी मैंने पहले कहा ना, जो जिम्मेदारी पार्टी देगी उसको निभाएंगे। अभी तक विधानमंडल दल के नेता के रूप में निभाई, अब जो जिम्मेदारी देगी वो निभाएंगे, जिस स्थिति में पार्टी रखेगी उस स्थिति में रहेंगे। ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य सपा और बसपा की सरकारों ने बनाया, उत्तर प्रदेश की स्थिति को दुरुस्त करना है, और जनता का हम अभिवादन करते हैं हृदय से कि उन्होंने अटूट विश्वास मोदी जी के ऊपर व्यक्त किया। माननीय रणनीति शाह, माननीय अमित शाह जी की रणनीति और कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से ये जीत हासिल हुई, और हम पूरी तरह से इस बात का प्रयास करेंगे कि हम जनता की आकांक्षाओं और इच्छाओं पर खड़े उतरें। खन्ना जी, 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी, उसमें बड़ी भूमिका यूपी की रही, बीजेपी गठबंधन को 73 सीटें मिली। 2019 के चुनाव को देखते हुए यूपी बहुत महत्वपूर्ण है और इसका एहसास भी बीजेपी को है, तमाम पहलुओं पर चर्चा चल रही है, और इस बार खासकर जब इतनी सीटें मिली हैं, जाति पाति धर्म से ऊपर उठकर लोगों ने वोट किया है, विकास का नारा आपने दिया था उस पर भरोसा किया है, अब आप मानते हैं कि 2019 के लिए बातों से या घोषणा पत्र से काम नहीं चलेगा, लोगों का दिल काम करके जीतना होगा, तो आपकी नज़र में आदर्श मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए जो वाकई 2019 का रास्ता आसान बना सके? देखिए, हम लोग राजनीतिक दलों का मूल्यांकन उनके मिली हुई वोट का परसेंटेज देखकर, वोट देखकर और सीटें देखकर ही करते हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने 2014 का लोकसभा का चुनाव लड़ा था, उसमें उत्तर प्रदेश में 337 असेंबली सेगमेंट्स पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी, और 3 साल के बाद लगभग ये चुनाव हुआ, आज हम 325 जीती है एनडीए ने, हम 312 हम जीते हैं और 13 एमएलए हमारी सहयोगी पार्टियों के जीते। तो अगर जनता की कसौटी पर हम खड़े उतर रहे हैं, 3 साल में कोई एंटी इनकमबेंसी नहीं है, 3 साल में हम जहां 3 साल पहले खड़े थे लगभग उसी स्थान पर आज खड़े, तो मैं समझता हूं कि ये जनता की कसौटी को कसने का सबसे बड़ा पैमाना है चुनाव और प्राप्त की गई सीटें। तो ये सीटें मिलने का साफ साफ मतलब यह है कि जनता केंद्र की सरकार की नीतियों से प्रसन्न है, जनता मोदी की सरकार की नीतियों को के प्रति विश्वास रखती है, उनके नेतृत्व में विश्वास रखती है। तो फिर इसी आधार के ऊपर हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 2019 में हम बहुत बड़े बहुमत से उत्तर प्रदेश फिर से जीतेंगे। लेकिन आपकी सीटों पर और नतीजे पर मायावती ने कल फिर सवाल उठाया है, और वो लगातार इस बात को दोहरा रही हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी और साजिश करके बीजेपी ने चुनाव जीता है। अगर ईवीएम की गड़बड़ी और साजिश होती तो जिसकी सरकार प्रदेश में होती उसी की सरकार दोबारा बन जाती। इसी ईवीएम मशीन से मायावती मुख्यमंत्री बनी थी, तब उन्होंने गलत नहीं ठहराया। इसी ईवीएम मशीन से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने गलत नहीं ठहराया।
इसी ईवीएम मशीन ने पंजाब में भी चुनाव कराया, पंजाब में हम तीसरे स्थान पर आए। इसी ईवीएम मशीन ने गोवा में भी चुनाव कराया, इसी ईवीएम मशीन ने मणिपुर में चुनाव कराया। तो ये तो हार न स्वीकार करने का एक बहाना है, जनता को भ्रमित करने का। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इन लोगों को अपनी हार स्वीकार कर लेना चाहिए कि जनता के द्वारा ये लोग दोनों रिजेक्ट कर दिए गए। खन्ना जी, आपने यूपी का जिक्र बार बार किया और कहा बीमारू राज्य बनाया है एसपी ने। आपके हिसाब से सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? और जिस तरह केंद्र में कैबिनेट की पहली मीटिंग में काले धन पे एसआईटी के गठन का फैसला लिया गया, क्या माना जाए सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में जो फैसले होंगे वहाँ से ही एक बड़ा संकेत मिलेगा कामकाज का? जरूर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की नीत और नियत बिल्कुल साफ है। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या थी। आप देखिए कि मंत्री के रूप में सवाल उठ रहे थे, मंत्री भगोड़ा घोषित कर दिया गया और जो परिस्थिति है सामने वो ही फिर गिरफ्तार भी किया गया गायत्री प्रसाद प्रजापति जी। ये जो भी सरकार बनेगी, जिसके नेतृत्व में भी बनेगी, बहुत जो उत्तर प्रदेश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनका निराकरण भी जल्दी आपको देखने को मिलेगा। कर्जा माफ़ी का फैसला, जो हमने फसली ऋण माफ़ करने की बात कही है, उसका फैसला जब पार्टी ने कहा है उसी तरह से होगा और कानून व्यवस्था भी दुरुस्त की जाएगी, रोज़गार के अवसर भी बढ़ाए जाएंगे। जिस प्रकार से लोगों बेरोज़गारी का एक वो है, बहुत बड़ा वर्ग बेरोज़गार है, उनके लिए भी अवसर बनाए जाएंगे। सर, मैं पुराने सवाल पर लौट रहा हूँ कि एक सस्पेंस जो है ये आप मानते हैं कि अब ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए क्योंकि भ्रम की स्थिति पैदा होती है, एक संदेश भी एक जाता है कि शायद आला कमान या तो लाचार है फैसला करने में या इतना भ्रम में उलझा है कि फैसला नहीं हो पा रहा है। जो भी फैसला हो, जो भी सीएम बने, लेकिन शायद अब ये वक्त है कि जल्दी फैसला होना चाहिए। जी देखिए, माननीय अमित शाह जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बारे में कई बार कहा भी कि उचित समय पर इसका फैसला होगा और योग्यता के आधार पर निर्णय करेंगे। तो इतनी व्यग्रता और इसके लिए उतावलापन नहीं होना चाहिए। मैं जितनी बड़ा प्रदेश है उतनी बड़ी समस्याएं भी हैं और दोनों सरकारों ने इसको बहुत चौपट किया प्रदेश को। तो तमाम हर विषय पर, हर पहलू पर मंथन चल रहा है और जल्दी ही आप लोगों को इसका कुछ निर्णय देखने को मिले। सर, उतावलेपन की बात नहीं, बात यह है कि चुनाव में जब कोई चेहरा दिया जाता है तो जनता को ये यकीन होता है और मालूम होता है कि हमारा ये मुख्यमंत्री बनेगा। दो पार्टियों ने मुख्य चेहरा दिया, बीजेपी ने नहीं दिया। जब इतना प्रचंड बहुमत मिला तो जनता भी चाहती है, जहां बहुमत नहीं था गोवा मणिपुर में, वहां मुख्यमंत्री तय हो गई, सरकार का गठन हो गया, शपथ ग्रहण हो गई। 325 सीटों के बाद भी अगर मुख्यमंत्री तय नहीं हो पा रहा है तो यानी कहीं ना कहीं समस्या है चयन में। कोई समस्या नहीं है, मंथन चल रहा है, जल्दी फैसला हो जाए। एक आखिरी सवाल, विपक्ष की भी बड़ी अहम भूमिका होती है, संसद हो या विधानसभा हो। 325 सीटों के साथ आप सत्ता में बैठेंगे, विपक्ष को क्या सलाह देंगे, खासकर अखिलेश को और मायावती को, क्योंकि विपक्ष अपनी भूमिका किस तरह निभाए, क्योंकि एक सजग प्रहरी की भूमिका होती है विपक्ष की और 5 साल उसको भी विधानसभा में आपको कटघरे में खड़ा करना है, तो क्या सलाह है दोनों नेताओं के लिए? देखिए, ये सही दिशा में सोचना शुरू करें, ये दिशा भी भ्रमित है और इनकी न तो नीयत सही है न मंशा सही है, नीति तो है ही नहीं। तो इसलिए इन लोगों को प्रदेश के हित में सोचना चाहिए और ये जो टेलीविज़न पर और प्रिंट मीडिया में जो बकवास कर रहे हैं कि ईवीएम मशीन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, ये बिला वजह के सवाल न उठाएं और प्रदेश के हित में सोचें, प्रदेश की भलाई के लिए सोचें, अपनी नीति और नियत दोनों को सही करें। खन्ना जी, एक आखिरी सवाल आपसे, मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार विशेषाधिकार संसदीय बोर्ड का है, लेकिन बेहतर विकल्प आप क्या मानते हैं, केंद्र से कोई नेता उसका चयन हो या विधायकों के बीच से ही चुना जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा? ये हमारे सोचने का विषय नहीं, ये विषय जिन लोगों के सोचने का है वही सोचेंगे, वही इस पर फैसला करेंगे। लेकिन आपकी एक निजी राय क्या है? निजी राय देने का न तो ये अवसर है और न आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं। सुरेश खन्ना जी को आपने सुना, कई सवालों के बेबाक जवाब दिए और कुछ सवालों पर
उनकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह गई, हालांकि उन्होंने उस हद तक पत्ते नहीं खोले। जाहिर है कई बार सियासत में कुछ कहा जाता है, कुछ नहीं कहा जाता है, पर्दे के पीछे भी बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं। लेकिन जैसा मैंने बार बार जिक्र किया कि आखिर सस्पेंस कब खत्म होगा, यूपी को कब मुख्यमंत्री मिलेगा, खन्ना जी का ये कहना है कि जल्द फैसला होगा इस बारे में। और विपक्ष की अगर बात करें तो मुलायम सिंह यानी अखिलेश यादव यानी समाजवादी कुनवा और मायावती के लिए उनकी सलाह है कि दोनों नेताओं को नज़रिया बदलना चाहिए। और यूपी के बारे में उनका कहना है कि दोनों ही पार्टियों ने यूपी को बीमारू राज्य बनाया है। जाहिर है बड़ा राज्य है, बड़ी चुनौतियाँ हैं, और उनका कहना है कि पार्टी के आला नेता मंथन कर रहे हैं और उम्मीद है जल्द ही यूपी का नया मुख्यमंत्री जनता के सामने होगा। राघवेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।